हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 300 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ फॉर आईपीएस 2020 के लिए, ठीक है। उसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह मैंने आज एक टॉपिक लिया पजल, जो आईपीएस क्लर इस आईपीएस क्लर में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आगे एसबीआई क्लर भी आ सकता है, एसबीआई अप्रेंटिस के लिए भी पजल आ सकता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक मैं आपको वैसी टॉपिक करा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर ओरिएंटेड, जितने टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। पजल का रीजनिंग के अंदर जो वेटेज है वो है मिनिमम 10 मार्क्स का, मैक्सिमम 15 मार्क्स का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्ट चलते क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थैंक यू। 7% दिया है, JKLM NOP आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम 1% सिट बिटवीन एन एंड पी, इमीजिएट नेबर ऑफ पी, फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर, जे इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ पी, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, इमीजिएट नेबर ऑफ ओ, फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है, टू ईच अदर, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के फेस इनसाइड द सेंटर, ठीक है, के इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो प्रॉपर लाइन क्या मिली हमें, के इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर, ठीक है, के इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं। कितने लोग बैठे, 8 जन है ना, 7, 4, 5, 6, 7, ठीक है। के कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, के जो फेस कर रहा है वो इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी बोला है, के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका, पी का। अगर ये लेफ्ट है राइट है तो ऑब्वियसली बात पी जो इनसाइड फेस करेगा, अगर ये मैंने पी का आउटसाइड फेस करा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा आप लोग को। इसके बाद एक लाइन थी, 1% सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में एक का गैप है। अगर पी यहाँ बैठा, एन को यहाँ नहीं बैठा सकते ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी के बैठ चुका है, तो एन इधर आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी एक गैप छोड़ के एन इधर आ जाएगा, ठीक है, आपको समझा इतना। उसके बाद क्या बोला था, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एन जो सेकंड टू द राइट किसका है, ओ का है। अगर ओ को मैं आउटसाइड फेस करूँ तभी तो सेकंड राइट होगा, अगर वो इनसाइड फेस कर रहा तो ये सेकंड लेफ्ट हो जाता, वरना ओ अगर आउटसाइड फेस करेगा तभी तो ये सेकंड लेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझा आप लोगों, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम बोला है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, रुको देख लेते हैं इसके बाद लाइन और एक पढ़ते हैं। इमीजिएट नेबर ऑफ पी, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, पी के जो इमीजिएट नेबर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करे, जे इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ पी, यहाँ जे आ ही नहीं सकता तो ये जे इधर आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन थी, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ये थर्ड लेफ्ट है तो ऑब्वियसली बात है ये इनसाइड फेस करेगा, ये हो जाएगा आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम है प्रॉपरली बैठ चुका है, ठीक है। एक कोई बाकी है, कोई कौन सा मेंबर बाकी है देख लेते हैं, ठीक है। जे के एल, एल बाकी शायद तक ना, तो एल इधर आ जाएगा, ठीक है। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो एक तरह से वो भी एक लाइन है, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, ठीक है। प्रॉपरली रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं डायग्राम प्रॉपर बैठा है, ठीक है। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ बोला है ना, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ये आउटसाइड फेस कर रहा है उसका सेकंड राइट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। 1% सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में एक का गैप है, यहाँ तक भी सही आ गया, ठीक है। इमीजिएट नेबर ऑफ पी, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीजिएट नेबर ऑफ पी का जो इमीजिएट नेबर है वो ऑपोजिट है फेस कर रहा है, ये अगर इनर फेस कर रहा है तो आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ तक भी समझा आपको, ठीक है। जे इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ पी, जे इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ पी, यहाँ तक भी समझा। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। एम हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एम हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एन, यहाँ तक भी सही हो गया, ठीक है। एम जो थर्ड टू द राइट है, अब ये राइट है ये लेफ्ट है तो ऑब्वियसली बात है कहाँ थर्ड राइट है तो ये आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। इमीजिएट नेबर ऑफ फेस सेम डायरेक्शन, ओके जो इमीजिएट नेबर ऑफ फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ तक भी सही है। के फेस नॉट मोर देन 4%, तो 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 एंड 4, चार लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और तीन लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, चार से ज़्यादा नहीं बोला था कि मिनिमम चार वो हो सकता है, ठीक है। तो 4% तो है ही, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पजल हो गया सॉल्व, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं आप लोग कुछ डाउट होगा, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, मैं ओरली आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एम, जे का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एम, तो जे अगर एम इनसाइड फेस कर रहा तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट,
तो जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द गैप, हाउ मेनी मेंबर्स आर सिटिंग बिटवीन जे एंड एम, और जे और एम के बीच में कितने लोग बैठे व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट साइड से काउंट करने बोला। तो एम का जो लेफ्ट साइड है, इन साइड फेस करा, तो लेफ्ट यहाँ से हो जाएगा 1 एंड 2, तो टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, ठीक है। ऐसा हमें कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। लेकिन आपका मेन जो है वो है होता है कि पजल आपका सॉल्व होना चाहिए। पजल आपका सॉल्व हो गया तो विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड्स के अंदर आप लोग पांचों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैंने आपको प्रॉपरली पजल पता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।